हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च अकेडमी। मॉर्निंग में मैंने आपको कल की बात, आज का एपिसोड दिया था, उसमें बताया था कि आज मैं आपको एक रामायण कथा बताने वाला हूँ निफ्टी और सेंसेक्स की। यस, जो हमारे दो पावरफुल इंडियन स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी की एनालिसिस बताऊँगा एज वेल एज सेंसेक्स की एनालिसिस बताऊँगा। ठीक है, ये एनालिसिस टोटली बेस्ड ऑन द गैन थ्योरी। आपने सुना होगा डब्ल्यू डी गैन के बारे में, कई लोगों के मुंह से सुना होगा। मार्केट में बहुत कम इस थ्योरी के बारे में जानते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज है, जिनको बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर डब्ल्यू डी गैन के बारे में। गाइस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पावरफुल हूँ, बट हाँ, जितनी मेरी तपस्या है, जितनी मैंने कोशिश करी है सीखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें टाइम गोल जो है वो भी आपको बताता है कि किस टाइम पे क्या लेवल्स बनाने वाला है, किस टाइम पे क्या लेवल्स आने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने चार्ट के माध्यम से आपको बताने की। अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि कैसा लगा ये एनालिसिस, कैसा लगा ये गैन थ्योरी का हमारा प्रोसेस। एक छोटा बस आपको मैं एक पीपीटी में आपको एक चार्ट शेयर करूंगा, है आपका ट्रेडिंग व्यूज में ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन लेट्स सी कुछ मेरे एनालिसिस देख लेते हैं। किंग रिसर्च पावरफुल, सॉरी नॉट पावरफुल बोलूंगा गाइस, अगेन आई एम लर्निंग, तो दिस इज नॉट वेरी वेरी गुड कमांड इन दिस गैन थ्योरी, बट हाँ आई एम ट्राइंग, और हाँ मेरे लेवल्स टचवुड थोड़े बहुत काम कर जाते हैं, बाकी पूरा काम करेगा नहीं करेगा ये आपको टाइम बताएगा। चलिए, तो रामायण कथा ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो गाइस, अभी बहुत सारे टीवी एनालिस्ट, बहुत सारे न्यूज़ वाले बंदे आपको बोल रहे होंगे, या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, या फिर छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो मार्केट में आए हैं, वो लोग आपको बोलेंगे कि भैया बाई करो, सेल करो, निफ्टी को कोई कहेगा सेल करो, निफ्टी को कोई कहेगा बाई करो, निफ्टी चले जाएगा 12,000 का हाई लेवल आ जाएगा, आपका निफ्टी अगर जो गिराने वाले होंगे वो कहेंगे कि भैया 6,000 का लेवल आ जाएगा। तो कितना सच है, मैं कुछ साइकोलॉजी की बात करूंगा, क्योंकि अगेन आपने अगर मेरे को गौर से फॉलो किया होगा, I'll talk about only psychology. Strategy 20% काम करता है, 20% risk management, money management काम करता है, जिसका SRM strategy मैंने already YouTube पे बनाया हुआ है। Apart from this, 60% only works in psychology. मेरे भाई फिर बोल रहा हूँ, market में पैसा कमाना आसान नहीं है, but कोई rocket science भी नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना common sense, आपको थोड़ा सा अपना psychology जोड़ दो, पैसा 100% आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, बट प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, लेट्स सी। तो आइए पहला चार्ट मैं आपको ले चलता हूं, लेट्स सी निफ्टी फ्यूचर अपडेट। ध्यान से देखिएगा, मेरे स्क्रीन पे आ जाइए, निफ्टी फ्यूचर अपडेट, मार्क माय वर्ड, हियर आई कैन राइट मार्क माय वर्ड, फिर बोल रहा हूं मार्क माय वर्ड, ये देखिए मार्क माय वर्ड, बाजार में अगर पहले, साइकोलॉजी समझना मेरी, मेरा ये एक्सपीरियंस है, 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। 2008 का मार्केट, जो रैली आई 2016 में, वो वाला मार्केट, उससे पहले जो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड था, वो वाला मार्केट, पूरा 3-4 तरह का फेज में देख चुका हूं, तो उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। ध्यान से समझना, अगर बाजार में पहले पैनिक होता है, जो भी लेवल है अभी, जो भी आपका 10,000 का जो भी लेवल है, 9,000 समथिंग का, अगर बाजार में पहले पैनिक होता है इस लेवल से, तो बॉस आपका जो माल खड़ा है, जो गलती से आपने अच्छे लेवल्स पे बाई किए हुए हैं, अच्छा पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है, या इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो हमने स्ट्रैटेजी दी थी आपको इन्वेस्टिंग की मई में, 25 मई को, उसके बेसिस पे आपने इन्वेस्ट किया होगा, राइट भाई, अगर आपने सही टाइम पे रिटेल ट्रेडर्स ने माल खरीदा है, तो वो क्या करेगा, आपको पहले पैनिक कराएगा मार्केट, मार्केट यहां से नॉनस्टॉप नीचे लेके जाएगा। क्या लेवल है, 8730-8530 का लेवल, नोट कर लेना ये लेवल, बहुत पावरफुल लेवल है, 8730-8530 का ये लेवल है, यहां पर आएगा और उसके बाद यहां से बाउंस बैक देगा आपका, ठीक है, और उसके बाद रॉकेट बनाएगा, यानी कि आपको पहले पेन देगा, पहले पेन देगा, आपने अच्छी पोजीशन है उससे आपको एग्जिट करवाएगा, डरा डरा के, बौखला बौखला के, कि हम तो इस बार 6,000 चले जाएंगे, हम तो इस बार 5,000 चले जाएंगे, इस लेवल पे आएगा और यहां से फिर रॉकेट बनेगा, और यहां से अगर मार्केट तेजी करता है, यानी कि ऊपर जाता है, किस लेवल तक, ध्यान से समझो, 10,000
और अगर बाजार में तेज होता है यहां तो वेट करो 10,270 का लेवल। अगर फुल बाइंग में बैठना है 10,270 के ऊपर रॉकेट बनाएगा मार्केट, नॉन स्टॉप रैली देगा। आप भी यहीं पर, मैं भी यहीं पर, लेट्स सी एक्सपीरियंस एनालिसिस। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा है, मैं अभी भी सीख रहा हूं भाई, आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिएगा जरूर। ओके, अगर बाजार 10,270 के ऊपर जाता है तो भाई फिर नॉन स्टॉप रैली आएगी। क्या हद तक रैली आएगी वो बताऊंगा अगले पीपीटी में, मार्क माई वर्ड। एनी हाउ 7,600 विल नॉट ब्रेक एंड इट विल नॉट क्लोज बिलो 7,600 टिल 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर तक हमारा 7,600 का लेवल नहीं टूटेगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, मार्क माई वर्ड, ध्यान से समझना। क्योंकि ये 8 अक्टूबर ये जो डेट्स बता रहा हूँ, 2 महीने 3 महीने आगे भी चल के मैं डेट्स बता, इसका क्या लॉजिक है? कुछ ज्ञान थ्योरी में आइए, ज्ञान थ्योरी की तरफ देख लेते हैं भाई साहब। ये देखो चार्ट हमारा, ठीक है, दिस इज पावरफुल। एक कोशिश करिए एनालिसिस करने की, दिया आपको कुछ देना चाह रहा हूँ भाई। यहाँ से मार्केट ने नॉन स्टॉप गिरावट दी है, तो मैंने प्लॉट यहाँ से कुछ किया है ज्ञान थ्योरी के बेसिस पे, और यहाँ पे आप नोटिस करो कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे। एक लेवल जो आ रहा है, ये लेवल आ रहा है, देखो एक लेवल ये वाला आ रहा है, दूसरा आर्क ये वाला आ रहा है, तीसरा आर्क ये वाला आ रहा है, फोर्थ आर्क ये वाला है, और फिफ्थ फाइनल आर्क ये वाला है। अरे पॉइंट, तो 1, 2, 3, 4, 5 आर्क बॉस, मार्क पूरा 5 आर्क तक गया, फाइनल स्टेज तक इसकी गिरावट आई, और इसने हमें बताया पहले ही एडवांस में, जब आप लगाते हो ये प्लॉटिंग हो जाती है। कभी और फुर्सत से आप लोगों के लिए ये भी एनालिसिस करना मैं सिखाऊंगा भाई, स्टे ट्यून विद अस। तो यहां से देखो पहले आर्क, अब नीचे से फॉलो करना, देखो पहला आर्क यहां तक आया, दूसरा आर्क कहां बन रहा है बताओ, ये रेड एंगल तक आपका दूसरा आर्क बन रहा है। और अगर मैं इसको स्क्वायर बॉक्स के हिसाब से लेके चलूं, देखो ये एक स्क्वायर बॉक्स भी बन रहा है, राइट, दीज आर वन स्क्वायर बॉक्स, इस तरह के एक स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो, यहां पे भी बन रहा है। तो ये स्क्वायर बॉक्स भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपको प्राइस एक्शन भी बताता है कि भैया इस टाइम के अंदर इस स्क्वायर में गया तो इस टाइम के अंदर इतना आ सकता है, मैक्सिमम इसी स्क्वायर के अंदर टारगेट हिट होता है। मेरी अपनी एनालिसिस है, किसको भी डिटेल में बताएंगे। तो देखो मेरे भाई यहां पे देखो एक गैप भी आपको दिख रहा है, एक पावरफुल गैप भी है, और उसी गैप में जाके मार्केट ने यहां पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके इसने कल गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोल के ऊपर की तरफ भगाया इसने। ओके, तो कल जो मेरी थ्योरी थी सेल वाली थ्योरी थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल मार्केट गिरेगा, मैं फेल हो गया गाइस, मेरे स्टॉप लॉस उड़ गए। स्टिल मैंने कुछ पोजीशंस अपनी बना के रखी हुई है, जैसा आपको मैंने कल लाइव बताया था, फ्राइडे को लाइव आके आप लोगों के साथ बताया था भाई, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ स्टॉप लॉस, मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ टारगेट, मार्केट इज अ गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड स्टॉक सिलेक्शन। फिर बोल रहा हूं बार बार, पैसा कमाना है अपना पोर्टफोलियो चेक करो, अपने पोर्टफोलियो में कितने रुपए का रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड में, सिर्फ उतने रुपए का रिस्क लेके ट्रेड करो, अदरवाइज मार्केट से आप 2 दिन के अंदर निकाल दिए जाओगे। फिर आप बोलोगे सर 50,000 इन्वेस्टमेंट था, रिलायंस मैंने एक लॉट ले लिया, मैं क्या करूं, 25-30 हज़ार का नुकसान आ रहा है। भाई ट्रेड ही नहीं कर रहे उसमें लॉट साइज में, आपको कैश में ट्रेड करो, 50,000 में रिलायंस एक लॉट कर रहे हो, कम ऑन गाइज। SRM स्ट्रेटेजी एक बार नहीं दो बार नहीं, हर वीडियो में मैं चीख चीख के बोलता हूं, प्लीज बिना उसके ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। बाकी आप समझदार हो भाई, मेरा काम है ऐसे सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको डिस्क्लेमर देना, पैसा आपका है, दिमाग आपका है, यूज योर ब्रेन, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट यूज करके बिना उसके किसी के भी कॉल्स में ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो देखो इसी लेवल पे आया और यहां से बाउंस बैक दे रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसने देखो इसी आर्क पे आके यहां पे आके फिर इसने बाउंस बैक दिया है। अब ये कहां तक जा सकता है, अब आप देखो एक चैनल भी क्रिएट हो रहा है, ये वाला चैनल देखो, ये डिग्रीज होती हैं, राइट। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वाला डिग्रीज भी जा सकता है, इसी डिग्रीज के बेसिस पे आओ। सो मैनी ब्लू चैनल एंगल एंड एनालिस्ट विल से 6,000, उन सबको इग्नोर करना है लोअर लेवल पे। अगर यहां से गिरावट आती है आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलना है, कोई अपना माल नहीं निकालेगा, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी करने का ढूंढो, और फ्रेश काम कब करना है नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। ये देखो मेरे भाई, ठीक है,
यहां पे मैंने बताया है, नो वन विल टेल यू द स्टोरी ओपनली आफ्टर दिस पोस्ट, सो मैनी पीपल कॉपी कैट विल बॉर्न इन दिस मार्केट, आप जस्ट वेट एंड वॉच। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और पहले एडवांस में बोला कि मैं बताऊंगा, अब देखो ये लेवल्स आगे चल के लोग कैसे देते हैं, और हम आज गेम थ्योरी के बेसिस पर कोशिश कर रहे हैं समझने की लेवल्स के। अबव 10,270 क्लियर कट बोला, 10,270 के ऊपर वीकली बेसिस पे 3 कंसेक्यूटिव क्लोजेस भी नॉन स्टॉप रैली यू विल गेट, 10,870 11,200 के आसपास का लेवल मिलेगा, होते ही एग्जिट फ्रॉम योर ऑल बाई। फिर बोल रहा हूं, जो अगर पोजिशन कैरी है फ्रेश अभी कोई बाइंग नहीं करेगा, 270 के ऊपर जो भी आप बाइंग करना कर सकते हो, और 11,000 जो लेवल दिया है 10,870 11,200 के आसपास अपना पूरा पोजीशन कोशिश करो। मेरी रिक्वेस्ट है भाई अपना दिमाग लगाओ, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस, हो सकता है मैं गलत हूँ, इस लेवल पर अपना पाल एग्जिट करो, क्योंकि अगर यहाँ से तेजी करेगा तो भाई आप सभी लोगों को पहले बुल ट्रैप पर बिठाएगा, और उसके बाद US में आगे आने वाले 2 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। दिमाग लगाओ 2 महीने में क्या है, लगाओ दिमाग, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर बोल रहा हूं, मार्क माई वर्ड, 7-13 जुलाई और 21-28 जुलाई, इन्हीं दो टाइम फ्रेम के अंदर, इन्हीं दो टाइम गोल के अंदर अनएक्सपेक्टेड मूव विल कम। तो जो होगा इस डेट के बीच में होगा, देखते हैं क्या होगा, ध्यान से रखना ये डेट को भी, रिमेंबर रखना। और इस एनालिसिस के थ्रू भी आप देख सकते हैं बॉस, निफ्टी का ही है जो पहले मैंने ऊपर से नीचे का बाउंस बैक लिया था, रिट्रेच कहां तक हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, अब मैंने नीचे से ऊपर लगाया, तो पहला आर्क क्या है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और फिफ्थ एक फाइनल एंड फुल एंड फाइनल वाला है। तो देखो मैंने आपके लिए मार्क भी किया है, इसी गैप के अंदर आया और ये मार्क, ये आर्क देख रहे हो आप, प्लीज समझना, ये आर्क जो ग्रीन वाला आ रहा है, ये वाला आर्क, और इसके अंदर गैप भी है, तो दो एनालिसिस को मैंने जोड़ के यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये गिरेगा। और आपको याद है ना टॉप पे बोला था सेल करने का, बिल्कुल टॉप पे बोला था, अगर किसी को याद है टेलीग्राम में जाकर देख लेना, वहां से नॉन स्टॉप गिराया था, और उसके बाद फिर देखो अब ये क्या करेगा बॉस, ये भी एक लाइन है, देखो ये भी कुछ कहना चाहता है, आर्क भी है, लाइन भी है, गैप भी है, इसके पास आएगा, हो सकता है ये दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले, जो मैंने आपको बताया कौन सा लेवल, 87 वाला बताया था, याद है 89 जो इससे पहले लेवल बताया था, वीडियो बैक करके देख लेना आप लोग, ये लेवल बताया, ये लेवल बताया, इस दो के लेवल के आसपास आ सकता है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक देगा तो पावरफुल रैली होगा, ये हाई भी तोड़ेगा, और उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इसने पहले ये चांस दी, ऊपर की ये चाल दी, तो बॉस गेम इज ओवर इन दिस आर्क, ये रेड आर्क में ऑलमोस्ट हमारा गेम ओवर हो जाएगा, और मैंने आपको ये लेवल्स भी बता दिए पहले से, और यहीं से देखना फिर समथिंग कुकिंग वेरी बैड। फिर बोल रहा हूं, तो ऊपर के लेवल पे लक्ष्मण रेखा 10,170 10,247 के ऊपर आप नॉन स्टेप रैली 10,870 और 11,200 के आसपास आपको मिल जाएगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बताना चाहूंगा, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कुछ ज्ञान के बारे में आपको आज थोड़ा बहुत हिंट दिया है, ऐसे ही अपने एनालिसिस किस बेसिस पे मैंने ये बताया आपको, एक लॉन्ग टर्म होराइजन के बेसिस पे। सो कोई कितना बोले, बाजार मार्केट में 11,000 के लेवल पे कोई बाई नहीं करेगा बोला जाएगा, जब मार्केट तेज होता है ना तो 11 क्या बोला जाता है 12 आएगा, 12 क्या बोलता है 13 आ जाएगा, 13 के बाद 14 बोलते हैं, और जब गिरता है तो ऐसे ही बोलते हैं, है ना, बोलता है ना, नोटिस किया ना आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ एडवांस में 11,000 के आसपास अपना माल खाली करने की कोशिश करो, पोर्टफोलियो का 50-60-70% हल्का कर लो, मैं ये नहीं कहता कि पूरा निकालो, इतना हल्का करो, और उसके बाद हमने भी पोर्टफोलियो बनाया आप लोगों के साथ, 1 महीने पहले बनाया था और मैंने आपको दिखाया था अपना पोर्टफोलियो, मैं इंट्राडे ट्रेडर एज वेल एज स्विंग ट्रेडर एज वेल स्कैल्पर एज वेल एज आई एम ए पोजिशन ट्रेडर ऑल्सो। अगर बड़ा आदमी बनना है इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, और सिर्फ ब्रेड एंड बटर चलाना है तो ट्रेडिंग करो भाई, किस दिन पैसा आपके हाथ में किसी दिन दूसरे के हाथ में, फिर दिमाग से समझना, बड़ा आदमी बनना है, रिच पर्सन बनना है, हर किसी को बनना है, हर किसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, मेरे भाई शॉर्ट टर्म से नहीं बनोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग से नहीं बनोगे, इन्वेस्टिंग का सोचो, 10 साल 5 साल 15 साल का सोचो,
आज पैसा उसमें लगाओगे तो आग होगा, और ट्रेडिंग का सोच रहे हो, ब्रेड एंड बटर का सोच रहे हो, तो मोस्ट वेलकम टू द इंट्राडे ट्रेडिंग वर्ल्ड। बड़े बड़े प्लेयर्स धुरंधर बैठे हैं आप लोगों को मात देने के लिए, उसी की हम एजुकेशन देते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो 11,000 के लेवल पे कोई बाई नहीं करेगा। बिग प्रॉब्लम विल कम इन यूएस आफ्टर 2 months, सो जस्ट रिलैक्स। समझ में आया? अगर इस लेवल से निफ्टी नीचे आता है तो अपनी पोजीशन कोई काटेगा नहीं, एकुमुलेट करते जाना। 8,700 के आसपास हम एवरेज करेंगे, मैं आपको लाइव बताऊंगा। और अगर इस यहाँ से लेवल से ऊपर जाता है तो बॉस समथिंग कुकिंग बिग, फिर आप लोगों को बुल ट्रैप में बिठाया जाएगा, उसके बाद नॉनस्टॉप मार्केट को नीचे लेके आएंगे, आप सब लोगों का लॉस पेला जाएगा, पेलने के बाद फिर मार्केट ऊपर आएगा। ये साइकोलॉजी होती है, समझना मेरे भाई। अगर आपका माइंड सेट बुलिश साइड में है तो वो आपको ट्रैप कैसे करें? अगर आपका मार्केट साइकोलॉजी, आपका जो सोच रहे हो थॉट प्रोसेस है नेगेटिव साइड में, तो किस तरह से आपको ट्रैप किया जाए? तो ये एक छोटा सा साइकोलॉजी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। ट्रैप थोड़ा सा बड़ा रहता है भाई, बहुत कुछ माइंड में रहता है, सोचता हूँ क्या दूँ, लिमिटेड चीज़ें जिससे आपको समझ में भी आ जाए और हेल्प भी हो जाए, इसलिए इतने लंबे वीडियो हो जाते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, अगेन बोल रहा हूँ भाई, मैं जो आता हूँ, जो मेरे मन में है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, आप लोगों से, मार्केट से, इंपॉर्टेंट वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कैसा डिलीवर कर रहा नहीं कर रहा, वो आप बताएंगे। सो मैंने बताया इंट्राडे अगर आप सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग अगर आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, हमारा 6 जुलाई का मेंटरशिप बैच है, जो 6 months का मेंटरशिप रहता है, और इसमें हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, एक मेंटर्स देते हैं, आप उसमें आपको सेल्फ हेल्प करता है, ओके। और इसमें मैं कोई भाई टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं कुछ हिडन टेक्निकल पे बात करता हूँ, कुछ सेटअप्स की बात करता हूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर गेम एंड ऑल, आई प्योर यूज प्राइस एक्शन बॉस, आई लव प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन लो और मजा लो, सब चीख चीख के बोलता है चार्ट, बस आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। और विराट कोहली बनना है तो सोच के देखो, विराट कोहली बचपन से प्रैक्टिस करते 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 कितने साल हुए तब जाके वो विराट कोहली बना है। और आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना जुम्मा जुम्मा इतना टाइम होता है, 1 साल मैक्स टू मैक्स, आप सोचते हो कि मैं सुपर ट्रेडर बन जाऊँ, मैं जो ट्रेड करूँ पैसा बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई बता सकता है तो स्टॉप लॉस बचा सकता है। दूसरा पावरफुल पावरफुल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, हमारा SRM स्ट्रैटेजी देखना ना भूले, स्टार्टिंग ही बोला अभी भी बोला, क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट यू नेवर अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। कितनी पावरफुल आपकी स्ट्रैटेजी हो तो भी पैसा नहीं बनाओगे। अगर एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर समझ में आया, पसंद आया, एडवांस में व्यू मैंने आपको बताया किस लेवल पे क्या करना है, एक बड़ा व्यू बताया मैंने आपको, ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फिर बोल रहा हूँ मेरी नीयत पहचानने की कोशिश करो। अगर मेरी नीयत साफ है, मेरी नीयत पॉजिटिव है, तो बॉस कोई ताकत नहीं है मुझे रोक ले। कुछ 2-4 लोग आएंगे मार्केट में ब्ला ब्ला बोल के जाएंगे, लेवल चेक करना है भाई, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन मेरे लेवल चेक करो, तब डिसाइड करो किंग रिसर्च को फॉलो कर रहा है या किसी एरे गहरे नत्थू गहरे को फॉलो कर रहा है। भाई काम बोलता है, बात खत्म। ध्यान रखिए, हैप्पी वीकेंड, आज संडे है, एंजॉय गाइस, हैप्पी वीकेंड। और मैंने कल की बात एपिसोड डाल दी है, यानी कल किन स्टॉक्स पर नजर रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स है वो डाल दिए हैं। और प्लीज़ अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, उनके साथ अभी शाम का टाइम हो रहा है 8:21, चाय पीने का पी सकते हो यार, क्या है, लंच 9 बजे कर लेना, शरबत बना लो सर, जूस बना लो, कुछ भी बना लो, बैठो चेयर्स करके पियो पापा मम्मी के साथ, क्या दिक्कत है, मजा आएगा सर, राइट। चलो बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।